इस साल के शार्क टैंक के सीजन 2 में भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर को बाहर करने के बाद जो उनकी जगह नए शार्क आए हैं, शार्क अमित जैन जो कि कार देखो के फाउंडर हैं, जिनकी जर्नी कोई 2 या 3 साल पुरानी नहीं बल्कि कार देखो की शुरुआत तो वह 15 साल पहले ही कर चुके थे साल 2008 में, बल्कि उस जमाने में तो एंड्रॉयड भी मार्केट में बिल्कुल नया नया ही आया था। इवन आईफोन को लॉन्च हुए भी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। तब उस जमाने में अमित ने कार देखो शुरू करा था जब इंटरनेट ज्यादा घरों में मौजूद भी नहीं था। कैसी जर्नी अब तक अमित जैन की रही, आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। अमित जैन कार देखो के फाउंडर मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं, जिनका जन्म से लेकर करियर सब कुछ ही जयपुर बेस्ड है। इवन अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई भी अमित ने जयपुर के ही सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल से ही पूरी करी है, और भारत पे के फाउंडर अश्नीर की तरह ही वह भी इंजीनियर डिग्री होल्डर है आईआईटी दिल्ली से बीटेक में। अमित ने अपनी बीटेक साल 1999 में पूरी करी। बीटेक करने के बाद अमित ने अपने करियर की शुरुआत टीसीएस ज्वाइन करने से करी साल 2000 में, जिसके बाद उन्हें यूएस टेक्सस से ऑफर आया ट्रिलॉजी कंपनी की तरफ से, जिसके बाद वे अमेरिका चले गए जहां अमित ने 6 साल तक काम करा, 2004 में एज अ डिलीवरी मैनेजर एंड 2005 में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। इन्हीं दिनों के दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके फादर को कैंसर है, जिसके कारण उन्हें अपनी जॉब छोड़ने के बाद वापस से इंडिया आना पड़ा था। उनके फादर का एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस था हीरे मोती से जड़े रत्नों का, जिसका वह हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। कैंसर के इलाज के कारण और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ते लड़ते उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन अपनी मदर और भाई को पीछे ना छोड़ने के बाद इंडिया में ही वापस से काम करने के बारे में फैसला करने के बाद अमित ने अपने भाई अनुराग जैन के साथ अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करी, गिरनार सॉफ्टवेयर। लेकिन कंपनी को शुरू करने के थोड़े समय बाद ही उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, और मात्र कुछ ही समय तक कंपनी को शुरू करने के बाद ही उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। कार देखो शुरू करने का आइडिया उन्हें तब आया जब वह अपने भाई के साथ दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए ऑटो एक्सपो में गए, जहां से उन्हें एक्सपोजर मिला कि इंडिया में कोई भी पुरानी गाड़ी को खरीदते समय बायर को कितनी परेशानी फेस करनी पड़ती है। उन्हें कम्प्लीटली रिलाय करना पड़ता है पुरानी गाड़ी के मालिक पर, ये सोचते हुए कि गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जिसके बाद शुरुआत हुई थी साल 2008 में सिर्फ 20 लोगों की टीम के साथ कार देखो की। अमित के साथ उनके भाई भी साथ में जुड़े अनुराग जैन, जो कि आईआईटी दिल्ली से ही बीटेक ग्रेजुएट हैं। एक ऐसा काम जो कम्प्लीटली ऑफलाइन था, डाइवर्सिफाइड था फ्रॉम डीलर टू डीलर, उसे वह अपने विजन की मदद से कम्प्लीटली ऑनलाइन ले आए। धीरे धीरे कार देखो का ब्रांड आगे बढ़ता गया और आज कंपनी के पास टोटल वर्कफोर्स है 5,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज। कार देखो मार्केट में तब आई थी जब ना तो हर घर में इंटरनेट की रीच थी और ना ही हर घर में स्मार्टफोन थे। इवन आईफोन भी उस जमाने में सबके लिए एक बिल्कुल न्यू पीस ऑफ टेक था। कार देखो आज $1.2 बिलियन की कंपनी है, यानी कि 120 करोड़ की, एंड अमित जैन की नेटवर्थ है सालाना 32 करोड़ रुपए। आज के समय में मौजूदा स्टार्टअप्स के फाउंडर अपनी कंपनी को जल्दी से जल्दी बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए वह बहुत जल्दी फंडिंग भी रेस कर लेते हैं। लेकिन कार देखो 2008 में शुरू तो हुई थी, लेकिन उसे अपनी पहली फंडिंग साल 2013 में मिली, उस समय की इंडिया के सबसे बड़ी वीसी फर्म सिकुआ कैपिटल से। आज कार देखो प्रॉफिटेबल भी है और सस्टेनेबल भी, जो अपने इन्वेस्टर्स का भी खूब ख्याल रखती है, इसलिए आज भी बड़ी वीसी हाउसेस जैसे गूगल कैपिटल, टिबोन कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल, टाइम्स इंटरनेट, एचडीएफसी बैंक, यहाँ तक कि रतन टाटा भी कार देखो में इन्वेस्टर हैं। साल 2020 में कंपनी का एनुअल प्रॉफिट रहा था 706 करोड़, जो कि 2021 में बढ़कर हो गया था 884 करोड़, जो कि सीधा 20% की ग्रोथ दिखाता है। अमित जैन ने कार देखो के साथ साथ ऐसे और भी डिफरेंट सेगमेंट्स में अपनी कंपनी का नाम करा है और ऐसे भी ब्रांड्स शुरू करे हैं जो कार देखो की तरह ही एक प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जैसे
बाइक देखो 2009 में, प्राइस देखो 2012 में, कॉलेज देखो 2015 में एंड इंश्योरेंस देखो 2016 में। साल 2021 में कार देखो, जयपुर में पहली ऐसी कंपनी बनी जो यूनिकॉर्न के मार्क को क्रॉस कर पाने में सफल रही। कार देखो आज सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कार देखो ब्रांड आज जिस भी मुकाम पर है वह है अमित जैन के कड़े फैसले, दृढ़ता, निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा, जिसके कारण ही वह आज एक यूनिकॉर्न के संस्थापक है। अमित जैन की जर्नी आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें हिम्मत मिले आपके लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए।